इस उम्र से लंबी सड़कों को मंजिल पर पहुंचते देखा नहीं, बस दौड़ती फिरती रहती है, हमने तो ठहरते देखा नहीं। फ्रेंड्स, दिस वीडियो गोइंग टू बी स्पेशल बिकॉज दिस वीडियो इट्स ऑल अबाउट माय नेटिव प्लेस धौलपुर। जी हाँ, ये धौलपुर के बारे में है और धौलपुर वो शहर जो मेरी जन्मभूमि है, वो शहर जो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि यहाँ पे 3 स्टेट मिलते हैं, वो शहर जो सारे देवताओं का भांजा माना जाता है। जी हाँ, धौलपुर। हे फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन माय वीडियो। एक तरफ पहाड़ की ऊंचाइयाँ और एक तरफ मिट्टी के टीले जिनको बेहड़ कहा जाता है, कितना अद्भुत कॉम्बिनेशन है और यही इसकी खूबसूरती है, यही धौलपुर को यूनिक बनाता है, सुंदर बनाता है बाकी और प्रदेशों से। और यार जानिए धौलपुर में क्या खास है, क्या देखने लायक है विद मी। वैसे तो मैं हर वीडियो एक ना एक टूरिस्ट प्लेस से ही स्टार्ट करता हूँ, लेकिन ये वीडियो मैं अपने स्कूल से स्टार्ट करने वाला हूँ क्योंकि मेरा स्कूल ही एक टूरिस्ट प्लेस है। हाँ जी, ये एक किला है और ऐसा वैसा किला नहीं, बहुत बड़ा किला। और जो लोग आजकल के सोफानी या मल्टी स्टोरेज स्कूल में पढ़ते हैं, वो किले में पढ़ने का मज़ा नहीं जानेंगे, इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किले में पढ़ने का मज़ा, महाराणा धौलपुर। ये मेरा स्कूल है महाराणा, जहाँ से मैंने अपना एजुकेशन किया। और ये एक किला, ये स्कूल नहीं, पूरा एक किला है। और ऊपर देख सकते हैं पूरा एकदम स्टोन का बना हुआ है और वहाँ पर हमारे एग्जाम हुआ करते थे। वो एक गुम्बद देख रहा हूँ, इतना बड़ा किला इधर से नहीं दिखेगा आपको, जरा आगे जाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन वो बहुत अच्छा है, पूरा ये स्टोन से बना हुआ है, आज़ादी से पहले का ही। आज़ादी 1905 मतलब 1905 का पहले का है आज़ादी से। और यहाँ पे हमारी पूरी क्लास और हुआ करती थी, लाइन लगा के हम यहाँ पे परेड करा करते थे। अब बाउंड्री वगैरह बन गया है, लेकिन बहुत अच्छा था, बहुत ही शानदार स्कूल से आई प्राउड ऑफ। हमारे राजू जी का मन भावुक हो गया है यहाँ पे, उनकी यादें ताज़ा हो गई है, उनका रोना आ रहा है। नहीं, लेकिन अभी ऐसा काम नहीं करते है, बहुत अच्छा स्कूल है। अब क्या बताएं, पुरानी यादें ताज़ा हो गई देश के साथ। आ जा रही है, आजा चले फिर खिलौनो, आजा लड़े फिर खिलौनो के लिए। ये राजू का पुराना छत, जो यहाँ पे हम मस्ती किया करते थे, यहाँ पे हमारे एग्जाम पेपर। और ये दीवारों पर लिखे हुए हैं राष्ट्रगान, जनगण मन, प्रतिज्ञा, प्रार्थना। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, खुशी इस तरह की चीज आपको पुराने स्कूल में मिलेंगी। नए पैसे लूटने वाले 80-80 लाख लाख वाले जो है ना, वहाँ पे ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी आपको। पुराने स्कूल जो आएंगे बस पैसे लूटने के लिए, इंग्लिश बोल के पढ़ाएंगे वढ़ाएंगे कुछ नहीं बच्चों को, रियल एजुकेशन आपको ले रहा है तो यही मिलेगा। और फ्रेंड्स, सफर की शुरुआत करते हैं अचलेश्वर महादेव टेम्पल। मकरई मोला मोरिया, ए मारा मकरई बने रे 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 रे।
धौलपुर की भीड़ों में बसा हुआ ये मंदिर प्रकट हुआ था, महादेव जी यहाँ पर प्रकट हुए थे। और ऐसी मान्यता है कि जब इस मंदिर की खुदाई हुई तो कोई अंत नहीं निकला जो महादेव जी की जो पिंडी है उसका, मतलब ये अनंत है, गहरी हुई है और कोई इसका तोड़ नहीं निकाल पाया, इसीलिए इस मंदिर की मान्यता बहुत है। आप देखेंगे जो महादेव जी की मूर्ति है, जो इनकी पिंडी है, इस पर हर जगह पूजा होती रहती है, यहाँ पे हर जगह मंत्र उच्चारण होता रहता है। और जब आप इस मंदिर को दर्शन करेंगे तो एक सुकून, एक शांति आपके मन को मिलेगी, क्योंकि ये मंदिर है ही कुछ ऐसा। और भीड़ भाड़ से दूर, धौलपुर की ट्रैफिक से दूर, ये मंदिर एकांत में ही आपको अनुभूति देगा। फ्रेंड्स, हमारी दूसरी जो डेस्टिनेशन है वो है शेरगढ़ फोर्ट। शेरगढ़ फोर्ट के अवशेष ही अभी बचे हुए हैं और कहते हैं कि इसको 1532 में राजा मालदेव ने बनवाया। और उसके बाद जब शेरशाह सूरी का आक्रमण हुआ राजा मालदेव के ऊपर, तो 1540 में उन्होंने इसका नाम बदल के शेरशाह शेरगढ़ कर दिया, ना कि शेरशाह शेरगढ़। और इसमें एक मंदिर है, ये बेसिकली एक हिंदू मंदिर है और शिव जी का मंदिर है, तो इसके मंदिर अभी भी बचा हुआ है जिसको हम आके देखेंगे। अभी इस रोड पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसीलिए काफ़ी डस्ट है और रोड भी प्लेन नहीं है, लेकिन आई होप दिस वर्क विल बी ओवर सून एंड यू विल गेट ए गुड रोड टू रीच आउट शेरगढ़ किला। और ये है शेरगढ़ किले का मेन गेट। आप देख सकते हैं कितना भारी ये गेट है, कितना बड़ा, और इसके आसपास जो स्टोन की दीवारें हैं, आप जान सकते हैं कि उस ज़माने में कितना अच्छा ये किला रहा होगा। लेकिन आज केवल अवशेष ही बचे हैं क्योंकि पुरातत्व विभाग ने कुछ ध्यान नहीं दिया इस पे। और इसमें जो टेम्पल है उनके पुजारी भी हमारे जानकारी हैं और वो इसकी सेवा करते हैं, और काफ़ी अच्छा उन्होंने टेम्पल को अच्छे से रखा है। और आप जब जाएं तो टेम्पल के दर्शन करें, लेकिन बंदरों से बच के, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे बंदर हैं और जो आपके प्रसाद का स्वाद भी चखेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से। और ये पार्किंग की जगह है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा पार्किंग है, और जब भी यहाँ पे कुछ ओकेजन होता है तो हवन वगैरह होते हैं पूरे अच्छे तरह से। शरीर दो कहे जो भूलेला था बिया, ओ के शरीर बना
शेरगढ़ के मंदिर के दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ दिए नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जो था मचकुंड। और मचकुंड क्योंकि सारे तीर्थों का भांजा माना गया है, तो जब भी आप कोई भी तीर्थ यात्रा करके आएँ चारों धाम की, अगर आपने मचकुंड की यात्रा नहीं की तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी, ऐसी मान्यता है। और ये है ये इसका मेन गेट, जो नाइट में यहाँ पे काफ़ी अच्छी लाइटिंग होती है। और मचकुंड अब एक हॉट स्पॉट बन चुका है धौलपुर का, क्योंकि इसके चारों तरफ इतनी हरियाली है, इतना अच्छे से मेंटेन किया है थैंक्स टू नगर पालिका, और इसको काफ़ी एक तरह से हॉट स्पॉट टूरिस्ट स्पॉट बना दिया है। और काफ़ी लोग अब यहाँ पे जाने लग गए हैं और इसकी सफाई भी काफ़ी कर दी गई है। इसका नाइट लुक भी मैं आपको दिखाऊंगा और दिन का लुक भी दिखाऊंगा। और ये देखिए हम पहुंच चुके हैं मचकुंड। मचकुंड का नाम मचकुंड क्यों पड़ा, इसके लिए आपको इतिहास के कुछ पन्ने पलटने होंगे, अतीत में जाना होगा। ये बात है सतयुग की, जब राजा दशरथ और राजा मचकुंड ने यह प्रण किया कि वो धरती से असुरों को मिटा देंगे। और बहुत ही लंबा युद्ध करने के बाद, असुरों को मिटाने के बाद, राजा मचकुंड ने बोला कि अब मुझे शांति चाहिए, मैं युद्ध करके थक गया हूँ और इसके लिए मैं एक उपासना करना चाहता हूँ, एक शांत जगह में जाना चाहता हूँ। और वहीं से देवताओं ने बोला कि ठीक है, आप मचकुंड जाइए, वहाँ पे अपनी उपासना करिए, ध्यान लगाइए, आपको जो भी परेशान करेगा जब आप उसकी तरफ देखेंगे तो वो भस्म हो जाएगा। और क्योंकि राजा दशरथ और मचकुंड राजा सूर्यवंश के थे, ये बात है सतयुग की। उसके बाद राजा मचकुंड यहाँ आए और समाधि में बैठ गए। और अब बात करते हैं द्वापर युग की। द्वापर युग में श्री कृष्ण का युद्ध जरासंघ से हुआ और जरासंघ का साथ दिया था कालियावन ने। कालियावन जो राक्षस था, उसको ये वरदान था कि उसका वध किसी सूर्यवंश के व्यक्ति के हाथों ही होगा। और वो ये जानता था कि द्वापर युग में कोई भी सूर्यवंशी नहीं है, श्री कृष्ण चंद्रवंशी थे, और इसीलिए उसने अपने आप को अमर मान लिया था। और इसी के कारण वो श्री कृष्ण को परास्त करने वाला था और श्री कृष्ण को यहाँ से रणभूमि छोड़कर उन्होंने एक प्लान बनाया, आप बोल सकते हैं योजना बनाई, और भागते हुए मचकुंड आ गए। मचकुंड में सूर्यवंशी के राजा मचकुंड तपस्या कर रहे थे, अपनी मग्न थे अपनी तपस्या में। उन्होंने, श्री कृष्ण ने अपना दुपट्टा उन राजा मचकुंड को पहना दिया। जब कालियावन श्री कृष्ण को ढूंढता हुआ और ये बोलता हुआ, रणछोड़ बोलता हुआ वहाँ पे आया, और उन्होंने गलती से या जाने अनजाने में जो भी मचकुंड राजा थे उनको जगा दिया तपस्या से। और जैसे ही वो तपस्या से जगे, उन्होंने कालियावन को देखा और कालियावन वहीं से भस्म हो गया। यहीं से दो नाम पड़े, मचकुंड इस जगह का नाम और कृष्ण भगवान का नाम रणछोड़। वैसे तो मचकुंड में काफ़ी और सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, लेकिन यहाँ पे दो मंदिर, राम जानकी मंदिर और दूसरा श्री मंगल भारती हनुमान जी टेम्पल, ये दोनों ही फेमस हैं। पहले हम राम जानकी मंदिर, जिसको रामकृष्ण टेम्पल भी बोलते हैं, उसको देखते हैं। आप देखेंगे इसका गेट कितना अच्छा काम किया गया है और यहाँ पे कितना अच्छा कलर है, इसको टॉर्क्रोइज और ग्रीन कलर में इसको रंगा गया है। काफ़ी पुराना होने के बावजूद भी बहुत ही विशाल और भव्य है ये मंदिर, आप ज़रूर जाएँ।
जब भी इसके दर्शन करें। और अब हम जा रहे हैं पीछे मंदिर के दर्शन करने, और फिर हम चल दिए दूसरे मंदिर के दर्शन करने। और भगवान जी की कृपा थी कि हम आरती के टाइम पहुँचे। हिंदू धर्म में अगर आप आरती के टाइम पे मंदिर पहुँच जाते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। फ्रेंड्स, आप मुझे ये बताइए कि मंदिर के पीछे ये जो जगह रहती है जहाँ पे हम परिक्रमा लगाते हैं, ये क्यों होती है और हर मंदिर में ऐसा क्यों बनाया जाता है, कमेंट से मुझे बताइए। मेरा फ्रेंड निलेश मुझसे मिलने के लिए और राजस्थान घूमने के लिए मुंबई से आया था, तो उसे तो धौलपुर घुमाना बनता था, और इसी के साथ हमने काफ़ी मस्ती की, उसको घुमाया। देखिए फ्रेंड्स, निलेश आ चुका है मेरे घर धौलपुर राजस्थान और इतना दूर 1200 किलोमीटर केवल निलेश ही आ सकता है और ये ग्रुप में जाएगा और ये निलेश के लिए चाय पानी राजू की तरफ से। अरे बकर बकर तो मंडल हम लोग नहीं, उसके क्यों हम लोग नहीं है। मेसी तू ही तो नहीं, वो तो है तेरी एक सहेली, कहा है जिस पे दिल मेरा। फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इसके साथ ही मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में बाकी की चीज़ें हैं जो कवर करेंगे, और खाने पीने की चीज़ें भी काफ़ी कवर करेंगे। निलेश के साथ क्या क्या मस्ती की, और पहाड़ पर गए, मस्जिद देखा, चित्रकूट का मंदिर देखा, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में। और आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरी नज़र से, और आप मुझे कमेंट्स करके बताइए इफ़ एनी इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। टिल देन बाय, and please like, share and subscribe my video. See you again.